देना भाई। Were they right? I shot with Kabir sir 10 years ago for a film that just stopped. इधर थोड़ा विजुअल अरुण जी थोड़ा इस साइड आवाज नहीं है अरे बाइड बाकी टर्न राइट लुक हियर लुक राइट Look here. Thank you. Medicine.
some fun type of pictures, yeah? Rishabh, we just do some fun pictures. Yeah, yeah, something like that. Hold on, one more, Rishabh. Rishabh, one more, Nyrraa. काफी सोलफुल गाना था जब मैंने पहली बार सुना इसको. ऋषभ इज अ फ्रेंड ऑल्सो. तो कहानी इंस्टेंटली जो कहानी है वो ह्यूमन सी कहानी थी और बड़ा कूल सा गाना है. तो मुझे ऐसा लगा कि ना थोड़ा सा स्काई सी ये सबको थोड़ा ब्लेंडिंग के साथ में फिर लाइक सम लाइक गुड इमोशंस है थोड़े उसमें. ये सुपर कूल डायरेक्टर है. इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया. इन्होंने गाना सुना. इन्होंने बोला Nyrraa लुक्स लाइक द गर्ल, यू लुक लाइक द गाय एंड वी शूट अ नाइस वीडियो, वी विल टेल यू व्हाट्स द स्टोरी. एंड वी रीच द सेट एंड वी रियलाइज दैट ही इज गोइंग समवेयर. थैंक गॉड Nyrraa एंड देन सो दैट वे. But he's a crazy man. He's my friend. He's my brother, elder brother. And we're on a journey, all of us, everyone is. But Shadab bhai is shooting this video because he feels very spiritual about the song. About me. About my changing characters every time. Like the first time I met you different, second was different again. Third, thank you, Baru. Nyrraa. I actually understood Shadab sir's vision. He really wanted to have a merger of sun and the ocean, the extremes, the combination of love and the true meaning of love. You know, in this song, the girl really stands by the guy and has faith on him. And this is his love towards me that, you know, ye gaana pyar ko define karta hai. And he wanted to show the merger of it. Ki log kehte na ki sun aur ocean kabhi mil nahi sakte. लेकिन ये हमें मिलाने की ही बात हो रही है. एंड हाउ वी एक्चुअली मीट. फकीर काम शुरू हुआ तो फकीर सब लोगों ने से तीन बार क्वेश्चन करना शुरू किया फकीर. तो ऋषभ टंडन भी सामने आ गया बट देन फकीर मीन्स द कोर इनसाइड यू. उसी की वजह से गाना बनता है. इल्तिजा इज़ अ स्पिरिचुअल सॉन्ग. आई थिंक एवरी सॉन्ग दैट आई हैव डिलीवर्ड टिल नाउ वाज एज इफ समवन एल्स वाज एक्सप्रेसिंग थ्रू मी. हम तो बना ही नहीं सकते. आई थिंक समवन एल्स हु कम्स इन यू टेक्स ओवर एंड परफॉर्म्स. इल्तिजा 70-80 गानों के बाद जो पहला गाना लगा कि ओके दिस इज़ अ सॉन्ग वी हैव टू टेक अहेड. आई थिंक बहुत लालच भी आया सॉन्ग के लिए कि इसको दे देते हैं इसको देते हैं. आई थिंक कुछ चीज़ें अपने लिए बनती हैं, अपने लिए ही डिज़ाइन होती हैं. वी प्लान द शूट 4-5 टाइम्स बट इट हैड टू हैपन एट इट्स डे विद Nyrraa. वेरी ब्यूटिफुल एट द वीडियो बिकॉज इट वॉज थॉट लाइक दैट हिज विजन. ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग व्हेन वी वर प्लानिंग द वीडियो. Shadab bhai टोल्ड मी अ वेरी सिंपल लाइन. ही सेड today we are all talking about equality, we are talking about women power, we are talking about men power. It's not always a man who would be responsible for a girl and a family. It can be a girl sometimes who would do for her love to go ahead. So I love this line because when a song comes out of you, it definitely shows you visions to what you are expressing. And then what he's saying, what she's doing, and what is happening through me is also Faqeer wahi aata hai, I think. The belief, the feeling, and all about love. I think main puri journey ko love pe base karta hu. Mujhse wahi nikla hai. Shayad maine wahi jiya hai. But I think I left my studies very early. तो जिंदगी और प्यार ने सिखाया है जो आज हो रहा है शायद. दिस इज द मोमेंट. शायद ये फिलॉसफी गाने में कैसे और किस तरीके से दी है. इट्स आई डोंट सी दिस
सॉन्ग तो इसके लिए कुछ ऐसा टिपिकल मतलब वो डांस नंबर नहीं बन पा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा इस गाने को लेकर हम कुछ ऐसा दिखा दें कि लाइक देयर आर टाइम्स लाइक यू नो जहाँ पर लाइक यू नो गर्ल्स कैन आल्सो डू थिंग्स फॉर देयर मैन, तो ये थोड़ा उल्टा है. नॉर्मली यू सी लाइक यू नो मैन आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द वुमन, इन दिस सॉन्ग द वुमन लाइक यू नो हेल्प्स अ मैन टू ग्रो लाइक यू नो इन सिंगिंग व्हाट ऑल लाइक हर सैक्रिफाइस, सो दैट वे दिस सॉन्ग I want this to interfere. Song, yeah. This song actually speaks about rising in love. It's about pushing and motivating and helping your partner. And it's vice versa. Growing together. Growing together. That's called rising in love. So I think that this is a very good example. It's a very good example. Yeah. We got a very beautiful line saying love finds its ways on the unknown path. But yahi sab aa raha hai, aise hi ho raha hai, usi liye ban raha hai. It is a spiritual product, but Shadab bhai, as he said, ki ye thoda ulta video hai. I think inki aap jitni cheeze dekhoge sab crazy cheeze hai, sab ulti hai. Kuch aisa ulta hota hai jiske baad last word pe you will stuck and you believe in ki are ab actor ban gaye. Like from a music composer to this journey where I'm performing, I think it's all bahut amazing effortless acting hai, bahut alag modern actors hai dono. By chance we didn't speak during this time, but then she's a friend. I've known her before this video now. But we pleaded Nyrraa to do this. We pleaded Nyrraa to do this because she also wanted to believe in that. Okay, badhiya cheez ho rahi hai. But no, in all of it, the song is beautiful. I, anyways, was very excited for this. Yes, she was always excited about this song. That was the first time I heard it. That time only when I was Nyrraa, please do this video. She said, yeah, I'll do it. But then I think she loves the song. This is where. मुझे लगता है इल्तिजा हिंदुस्तान ये आशिकी हिंदुस्तान प्यार देश के लिए ये आशिकी प्यार इल्तिजा ग्रोइंग टुगेदर इन लाइफ मतलब मैच्योरिटी प्यार की सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है आई थिंक अगर वो दिखती है किसी ग्लिम्स में दैट इज़ वेयर आई थिंक दिस वीडियो वुड बी वेरी ब्यूटिफुल एंड एन एग्जाम्पल टू सी दैट यू डोंट रियली नीड टू मेक न्यूड वीडियोज और यू डोंट रियली नीड टू कैरी ऑन वीडियोज विद very hot looking babes and then that is how your story would come out. I think romance can be seen without touching each other and Nyrraa ke saath chemistry banani nahi padi because when there are two beautiful souls, I'm talking about me and her but then I'm also talking about Shadab bhai and who saw the beautiful souls and decided that these two beautiful souls should do it. So I looked at Nyrraa's eyes and I could believe very beautiful soul to chemistry no problem. That's all very flawless. I thank God for this. So, Shadab bhai, आपने song बहुत natural climate में sea के एकदम नजदीक shoot किया है, sea के एकदम गोद में shoot किया, क्या कहना चाहेंगे natural climate पर? Natural climate है, natural performances है, natural story है, मतलब बहुत organic है, थोड़ा भी कुछ इसमें efforts नहीं है किसी भी चीज़ में, तो I think one of the very simple lines good. Basically तो जो idea है, उसके accordingly locations भी होना चाहिए था, कपड़े वगैरह सब. See, blending is like the song, location, their performances, everything is like you've tried to keep it very, very realistic. Because really to hona chahiye na, like, पता नहीं कितनी रातों में क्या क्या गुजरा होता है where you expressing songs. Very expressing as an actor. I think every time Nyrraa would be performing as an actor, she would be going through what all happens through that. And same, I think Gana, it has to be very real. I think that is where Shadab bhai ki hum fan hai. We're all a fan. I want to call him sir at the set because he deserves that experience. So, Rishabh bhai, ये गाना आपकी पर्सनैलिटी से कितना हुआ जुड़ा है ये जो करेक्टर है गाने में हाउ इट इज लाइक वो आई थिंक मैं 3 महीने तक ये गाना सुनते एवरी टाइम आई हर्ड इट आई नेवर रिमेंबर्ड इट बट आई थिंक आई हैव क्राइड एवरी टाइम आई हैव हर्ड दिस सॉन्ग बिकॉज दिस ऑलवेज फिल्ड मी इनसाइड हमारी जिंदगी से ही निकला होता है अगर जिया नहीं होता तो आता नहीं ये सॉन्ग आई थिंक इल्तिजा मेरा कॉन्फिडेंस पॉइंट है बहुत बिलीफ पॉइंट है बिकॉज कभी लिखा नहीं है
जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हुआ था कंपोज करते टाइम वही गाना है, आज भी जो हम शूट कर रहे हैं वही वोकल है. इट वॉज नेवर प्लान्ड, इट वॉज नेवर रिटन, इट वॉज नॉट कंपोज बिफोर दैट. द फर्स्ट फील आई गॉट ऑन द ट्रैक वॉज द सॉन्ग दैट वी शूटिंग एग्जैक्टली लाइक दिस, नो चेंजेस. तो आजकल की भीड़ भाड़ वाली जो म्यूजिक है ना, डिस्कोथेक म्यूजिक है, एक सादगी भरा गाना लेकर आना, ये क्या अपनी आपको पता है? आई थिंक मैं बहुत इंटरवीन करना चाहता हूँ. पार्टी आने मिल रहा हूँ. आई थिंक क्लब 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 एवरी नाइट डांस पार्टीज. बट देन हम जाने के बाद रात को ना अकेले होते ही वो एक गाना सुनते हैं. You are right. जो चलता रहता है, मुझे लगता है सब खुशियाँ मना रहे हैं, कोई तो दर्द का एहसास बार बार दिलाएगा. तो मैं वो खुशी also, मुझे लगता है कि आजकल एक गाना हिट हो जाता है ना, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हिट हुई? सब लोग वैसे टाइप का ट्रैक बनाने लग जाते हैं, तो उसमें नॉवल्टी कुछ रहती नहीं है. मुझे सारे गाने एक जैसे सुनने लग लगते थे. तब ऐसा कुछ अलग टाइप का गाना होता है, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्ट लिसनिंग टू दैट. So looking at the topic, like which is a catchy line, Iltaja, तो उसका means क्या होता है? Because most of youngsters they think first the song name, right? Iltaja? Yeah. वो मेरे मौला, Iltaja तुझी से है. I request you for something that'll come in the song. He'll see, he's a guy alone who's tired with his life, and he also finds love there. So he's fluctuating between both. He wants to love, and he's scared of love. So within this, when you're singing, Iltaja is only him who would tell you what to do next. Yes. So I think that's the song. I think I'm asking him everything that you hear in the song. That is what my question is. Just like a release, when do we get to see the song on screen? Wow. Let's all hope that we see a very, very nice release to the song. We all know what is the release being planned like, but I think we want to have this second moment with all of you, and we'll grow this ahead to the release. I think, see, release is not just a song coming out. I think it is all of us growing in it. We'll see the video 50 times. I think Nyrraa comes from that background. Sadapai, at his direction, he's never compromising. I think abhi to let it all grow. I think upar wale ne ek bahut badhiya plan banaya hai. I'm happy till now. We're all shooting with a nice energy, and I think it has a very, very nice release plan. But inshallah, you'll see the song coming out next month, max July 1st week. I think that is when it should come out. रोमांस पूरा रियलिस्टिक स्टोरी है. रोमांस मतलब एक नॉर्मल नेचुरल सा फीलिंग है जो मैं जिस तरह का सिनेमा बनाता हूँ. तो एक्चुअली लकीली यू गॉट एग्री कि हाँ ठीक है, थोड़ा उसमें स्टोरी है पूरा स्टोरी इन द सॉन्ग. मैं फिर से एक किस्सा रिपीट करना चाहता हूँ. पहली बार मैं शदाब भाई के साथ शूट करने गया, ये आशिकी शूट कर रहे थे. मैंने बोला भाई नो किस सीन भाई प्लीज भाई फर्स्ट रीजन. आई सेड फकीर भाई, आई हैव बीन टॉकिंग फकीर भाई, दे विल ऑल किल मी विद दिस. ही सेड शट अप, आई एम शूटिंग अ नाइस वीडियो विद अ नाइस गर्ल एंड अ नाइस गाय ऑन द बीच. एंड सी वी रीच द थर्ड सॉन्ग. आई थिंक दोनों चीज़ों का साथ बैलेंस चलने वाला है. कमर्शियल हम नहीं बनना चाहते, बट देन और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें और कुछ आता नहीं. This is where we have to go commercial, and this is where we have to carry the passion. I think, thank God, everyone supports each other with the original content. I think this is where we all rock. We all rock. We are not relevant to the making of getting formulas. Yeah, we don't want to make formulas. Leave the song now. We are stopping the song. Thank you so much. Thank you. Shoot chal raha hai, shoot ke beech. I'm so sorry, yaar. So, like, best before we proceed further, He's a blessing. I'm going to go to the hospital.
बैठ करना है क्या रिचुअल्स इनके प्यार की सर इन द सेंटर लुक इन द सेंटर सर लुक इन द स्टोरी ऑफ माय लाइफ My books have been released in various places. But today, I am very happy to release this book for you. I just found it, I think 3 months ago, and I found it to be a short story. So it's like part of my story. I always get along very easily with the new generation. And I don't know how I got along with you. He has still not thrown me out. I think reading this book you'll understand what a life can be. I think he's the senior most journalist in your fraternity and I know him like this. And he came like a blessing to me again. He just met me, handed over a torch to me and said, now you will carry the torch of love ahead. So I'm doing this and in all of it, what he writes, I think once you, मतलब एक बार अगर हम इसको go through करेंगे हम पढ़ेंगे ना, तो हमें ज़िंदगी की प्यार और सच्चाई का ना बहुत अंदाज़ होगा। I think life छोटी-छोटी बातों में और वो सारी बातों से ही वो ऐसी और बहुत सारी ज़िंदगियाँ बनती हैं। I think उसे एक बात बोलूँगा this but I think I'm just starting उनका जो experience है उसके आगे किसी level पे किसी moment पे आप देखते हो इस तरीके की चीज़ है ना then I think it's a blessing Thank you. Cover. Thank you. 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 Thank No, 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 you sit, 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 then there's a sign. Yes. Tell him that. Tell him that you have a way. Share the shares under the key. You just do one picture. सामने देखिए अली अली सर यार थोड़ा सा बुक नीचे अली सर या या परफेक्ट सर लुक यार Thank you.